फॉलो करता हूँ बट आई एम स्टम्प्ड, मैं टोटली स्टम्प्ड हूँ. एंड अगेन माई कूडोज टू सलमान टू हैंडल एवरी वीकेंड द कंटेस्टेंट्स जो हैं इस टाइम बिग बॉस में. मेरा ख्याल से एंटरटेनमेंट की परिभाषा मैं भूल गया हूँ कि व्हाट पासेस एज एंटरटेनमेंट टुडे. अगर दिस इज़ व्हाट पासेस एज एंटरटेनमेंट, आई फील सॉरी फॉर द ऑडियंस दैट थिंक्स दिस इज एंटरटेनमेंट. दिस इज़ नॉट एंटरटेनमेंट. मुझे लगता है कि मैं किसी चौल में घुस करके एक फाइट देख रहा हूँ, और आजकल चौल में भी ऐसा फाइट नहीं होता. एंड आई डोंट मीन दिस फॉर द चौल एज डिसरिस्पेक्ट, क्योंकि मैंने चौल में भी ऐसे झगड़े नहीं देखे. द काइंड ऑफ फाइटिंग एंड दीज आर पीपल दैट आर सपोज टू कम टू आर इंडस्ट्री. आई एम वरिड फॉर द इंडस्ट्री अगर ऐसे टाइप के लोग आ रहे हैं हमारे इंडस्ट्री में. आई फील स्टैंड योर ग्राउंड. मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है यू शुड स्टैंड फॉर दैट, यू शुड आर्ग्यू फॉर दैट, एंड यू वॉन्ट टू मेक दैट पॉइंट इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे, यू कैन डू दैट. बट जिस लेवल पे गिर करके जो भाषा यूज़ करते हैं, जिस तरीके से ये लोग करते हैं, दे थिंक दे आर गार्नरिंग टीआरपी. आई डोंट थिंक दैट इज़ रिक्वायर्ड. एट नो सीजन वॉज इट रिक्वायर्ड. एंड वेयर डू दे थिंक दैट द ऑडियंस इन्जॉयज दिस, ये तो मेरे को समझ में नहीं आई है आज तक. सो आई डोंट बिलीव इन दैट. आई थिंक इसमें वेयर इज चैनल की सोच है. मेरा ख्याल से चैनल हमेशा चाहती है कि बिग बॉस जो है वो एंटरटेनिंग हो. वो हमेशा कोशिश करती है कि इस लेवल तक कभी भी एंटरटेनमेंट गिरना नहीं चाहिए, इट शुड नॉट. बट मेरा ख्याल से समथिंग यू कैन नॉट कंट्रोल, क्योंकि एक बार जब आप घर के अंदर चले जाते हैं, जिस तरीके से लोग उस माहौल में गिर करके जिस तरीके का भाषा यूज़ करते हैं, जिस तरीके का वायलेंस यूज़ करना शुरू कर देते हैं, आई थिंक इट इज़ बियॉन्ड इवन द चैनल्स कंट्रोल, क्योंकि वो कंटेंट पूरे दिन में निकल करके आता है. सो आई थिंक इट्स नॉट दैट द चैनल वांट्स इट कि ये कंटेस्टेंट जो जाते हैं, इनफैक्ट वो चाहते हैं कि जो कंटेस्टेंट जाएं कि वो अपना टैलेंट दिखाएं, कुछ चीज़ें करें, एंटरटेन करें, सो दैट दे कैन हैव एन अपॉर्चुनिटी इन द इंडस्ट्री. बट आई थिंक बिग बॉस का खिताब जीतना किसी तरीके से कुछ भी करके, आई थिंक द कंटेस्टेंट्स आर ट्राइंग दैट. एंड समवेयर और द अदर उन्होंने सोचा हुआ है कि जब आप नॉमिनेट हो जाते हो या कुछ हो जाते हो, कुछ तमाशा कर दो, कुछ जलवे कर दो, कुछ आग लगा दो, कुछ ना कुछ कर दो, किसी तरह, मतलब आई बॉल शुड कम ऑन मी नो मैटर वॉट. बट दीज थिंग्स क्या है ना, आई थिंक अब क्योंकि 12वां सीजन चल रहा है, आई थिंक द ऑडियंस इज कॉट ऑन टू ऑल दिस ड्रामा एंड ऑल दिस मेलो ड्रामा थिंग्स, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. अब आई थिंक द ऑडियंस जो है वही डिसाइड करेगी when the TRP start dropping, when they don't want to watch this kind of a thing, and the channel itself takes a decision on that. And that is why weekend mein you have somebody like Salman that comes on and gives it back to the contestant that this is not on. I think he's doing a fantastic job. Aaj agar Big Boss log dekhte hain, honestly, at least for me, I watch it for him, and I think kudos to him that he's trying to, you know, guide them to do something better than to do what they are doing on.